जेठानी देवरानी की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, सात लोग जो है सभी लोग मिल करके रहते थे तो कितना अच्छा लगता था। हमारा भाई भी यहाँ पर था तो एक लग रहा था कि भरा पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है। और क्या ऐसा कारण हो गया कि सभी लोग जो है चले गए? और हमें ध्यान है कि जब मोनू की शादी हुई थी और उसके बाद जो हमारे चैनल पर देख रहा था व्यू सब, ओ भाई साहब जबरदस्त व्यू आ रहे थे। सबसे ज्यादा तो कमेंट इतना अच्छा आ रहा था, अच्छा आता था, कहते थे जेठानी देवरानी हो तो ऐसी जेठानी देवरानी हो। तो इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था जी। फिर उसके बाद जो है भाई और उनकी वाइफ जो है सभी लोग रितु और मोनू जो है वहां पर क्यों चले गए? माँ ने क्यों फैसला ले लिया कि वो लोग सभी लोग जो है अलग रहेंगे? इसी से रिलेटेड जी बहुत सारे जी कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ, और हम लोगों ने जो कमेंट कर रहे थे कि जब हमने बोला ना कि वो पढ़ाई के लिए गए तो सभी लोग कह रहे थे अगर पढ़ाई करना था तो घर बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकते है क्या? हाँ, तो बात है तो बिल्कुल जी। तो ऐसा ऐसा आप लोग का बहुत सारा सवाल है तो सोचा कि आज जो है इसका जवाब नहीं देते हैं और माँ से ही दिलवाएंगे। तो फिलहाल जी इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो क्रियांश भी आ चुका है अपने स्कूल से और क्रियांश जो है अपना ड्रेस सब चेंज कर चुका है और बदमाशी इसका एकदम चरम सीमा पर है। क्रियांश इसका खिलौना दे दो ना, वो चॉकलेट चाहिए। कहाँ है चॉकलेट? क्या चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। खिलौना पापा का, इसका खिलौना लाके दे देते हैं। बोर्ड वाला जो है न्यू टॉय चाहिए, न्यू टॉय। न्यू टॉय इसका रखा हुआ है शायद इसी में। ये वो आपके वाले वार्डरोब में क्यों सारा खोल रहे हैं? सब खोल करके देख रहे हैं किसी में तो होगा ही। हाँ ये रहा, ये रहा, आय हाय हाय, ये मजा आया। फ्रेंड्स आजकल के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल और खाना पीना इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, साथ ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, जिससे पूछो वो कह रहे हैं कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल से बचने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज किया जाए? और जब आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं तो उस टाइम भी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तब हमारी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया सीसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जो कि बहुत अच्छा होता है। जब आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और नए हेयर की ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो एंटी हेयर फॉल ऑयल के रूप में काम करता है। यह बना है 18 तरह के जड़ी बूटी, 5 तरह के तेल को मिक्स करके। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 0% मिनरल ऑयल रहता है, जैसा कि मार्केट में मौजूद अन्य तेल में नहीं रहता है। इसको तैयार किया गया है चीर पाक विधि के द्वारा। अगर आपको चीर पाक विधि के बारे में नहीं पता तो चलिए जल्दी से मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। चीर पाक विधि का मतलब होता है 18 तरह के जड़ी बूटियों को 22 घंटे तक गाय के दूध में उबालना। इसके अंदर होता है जी भृंगराज, जिसकी एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हेयर फॉल से लड़ने में मदद करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर में मदद करता है, साथ ही बालों को सफ़ेद होने में डिले करता है। साथ ही इसके अंदर त्रिपिला और गोधुमा, जो आपके हेयर फॉलिकल रेजुनेट करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, साथ ही आपके बालों को पतला होने से और दो मुँहे होने से रोकता है। अब मैं बता देती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। रात को अपने बालों में लगाकर अपने उंगलियों से मसाज कर सकते हैं। साथ ही इसमें दिया है एप्लीकेटर, जिसके द्वारा तेल सीधा स्कैल्प में पहुंच जाता है। इसको लगाकर आप अपने बालों को एक घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, फिर अपना हेयर वॉश कर लें। तो जी देरी किस बात की? अगर आप भी अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात चाहते हैं तो प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाइए और बाय कर लीजिए। तो यहाँ पर जिसका टॉय जो है आ गया है, अब इसको जो खोला जाए और इसमें ABCD से लेकर के 2-in-1 मैग्नेटिक बोर्ड है। हाँ, तो इसमें बात क्या है जी, पीछे इसमें लिख भी सकते हैं, स्केच पेन भी दिया हुआ है और इसमें नंबर सब भी दिया हुआ है, साथ में अल्फाबेट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैग्नेट है इसमें, 1-2-3 वाला सब लगा दो इसका, बाकी सब रख दो वरना सब फेंक देगा इधर उधर। ये निकालना पड़ेगा। अभी बज रहे जी दोपहर के 3:30 और इस समय जो है जिया और क्रियांश जो सोए हुए हैं, वो लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी अभी कुछ देर पहले ही आराम करके थोड़ा सा उठा।
क्योंकि दिन में जो है लगभग आधा घंटा 40 मिनट इसका एक थोड़ा सा नैप ले लीजिए, उसके बाद जो है आप एकदम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। तो ये मेरा है जी कंडीशन, तो ऐसा ही है। और फिलहाल अभी देख रहे थे कि बिग बॉस को लेकर के खबर आ रही है कि कटारिया और अरमान बाहर निकल गए हैं, तो अभी तक तो एपिसोड नहीं आया है उस चीज़ का, लेकिन देख रहे हैं कि खबर फैल गई है इस तरह से। तो अरमान का बाहर आना तो चलिए एक्सपेक्टेड था कि उसको इतनी ज़्यादा हेट मिल रही थी कि लग रहा था कि बाहर शायद आएंगे ही, लेकिन कटारिया का बाहर निकलना वो हजम नहीं हो रहा है जी, क्योंकि उसके पीछे पूरी एक एलविस यादव की जो एक आर्मी है वो पूरी लगी हुई है, और वोटिंग से उसको निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जनता के वोट के बल पर जो है अगर कटारिया को निकाला जाए, वैसा संभव नहीं है जी। तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज के एपिसोड में तो बाकी देखा जाएगा। और जो भी कंटेस्टेंट है वहाँ पर, मुझे तो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग जो अगर कोई लगता है तो कहिए तो मुझे रणबीर सर लगते हैं, हालांकि उन्होंने संगत थोड़ी सी गलत चुन ली और कहीं कहीं जो है थोड़ा सा लगता है कि एक्सेस थोड़ा बोल जा रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल किसी में मैं देख रहा हूँ तो सबसे अच्छे मुझे रणबीर सोरे लगते हैं। और देखिए क्या होता है बाकी, अगर वह जीतते हैं पब्लिक के ऊपर है जी, और अभी बस 2-3 दिन का गेम बस बचा हुआ है। सबसे अच्छी बात रणबीर जी की क्या लगती थी, मुझे बस एक शिकायत रहती थी कि बिग बॉस और अनिल कपूर से, कि जितना इस ग्रुप को रोस्ट किया जा रहा था जो कि एल्विस निकल रहा है मेरे मुंह से, जो कि लवकेश शिवानी और सना मकबूल इन सब के ग्रुप को जितना रोस्ट किया जा रहा था, जितना सवाल उनसे पूछा जाता था हर वीकेंड के वार पर, तो उतना उन लोगों को उसका 10% भी जो है रोस्ट नहीं किया गया था, थोड़ा सा ग्रिल नहीं किया गया दूसरे ग्रुप को, रणबीर जी के ग्रुप को। तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए जो है ना सब कुछ एकदम कम्फर्ट में हो रहा था कि आराम आराम से चल रहे हैं, कुछ भी करो कोई भी सवाल नहीं होने वाला है उनसे। लेकिन हमारे जो मीडिया बंधु जब आए एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वहाँ जब देखा जो ग्रिल करना स्टार्ट किया, ओ भाई साहब जबरदस्त। तो जो काम बिग बॉस और अनिल कपूर को करना चाहिए था वो काम हमारे मीडिया बंधु ने किया, और वहाँ पर अरमान फैमिली और रणबीर जी सभी लोग सवाल के घेरे में आए और अच्छे से सवाल किया गया, तो उस समय थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन उस समय भी देखा रणबीर जी ने सवाल को जो है बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जितने भी सवाल आए थे उनका जवाब भी काफ़ी बखूबी दिया, तो ये दिखा कि हाँ एक्सपीरियंस है उनमें और अच्छा खासा ज्ञान है उनको। बॉलीवुड जैसे टफ इंडस्ट्री में लगभग इतना सालों का समय बिताना आम बात नहीं है जी, तो दिखता है वो बिग बॉस में जब है ना, जब वो उनका व्यवहार कि कोई भी जो टास्क हो रहा होता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रहा होता है, उस समय जो उनका जो रिएक्शन होता है उससे पता चलता है जी कितना एक्सपीरियंस है उनको। बाकी क्रियांश तो अभी सोया ही हुआ है और जी अपना जग गई और मोबाइल चला रही है और अच्छा रेसिपी देख रही है, बहुत बढ़िया। और बाकी एसी जो है हमारा उतना काम नहीं कर रहा है, मतलब तक गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या काम करेगा बेचारा, पता नहीं क्या है देखना पड़ेगा। ये ऐसा ही लग रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर से बहुत धूप आती है, हो सकता है। A few moments later. तो जिया यहाँ पर बैठी हुई है, जिया जो है थोड़ा कमेंट से हो गई है परेशान, और यहाँ कमेंट जो है लगातार ही आए जा रहा है कि रितु और जिया जो है अब साथ क्यों नहीं रहते हैं और दोनों भाई जो अलग अलग क्यों रहने लगे हैं। तो दीदी ऐसा क्या हो गया जी, लोग अलग अलग रहने लग गए? देखो अब लोग क्या सोचते हैं अपनी दृष्टिकोण है, इसका इस पर तो मैं फैसला नहीं दे सकती कि हर आदमी का सोच अपना है, हर आदमी अपने सोच के अनुसार निष्कर्ष देते हैं, लेकिन मेरी फैमिली है तो मैं इसलिए भेज दी कि अभी उसका पढ़ने लिखना को उम्र है, जिया और शाश्वत अपना कमा खटा रहा तो माँ बाप फ्री है कि ये अपने अनुसार जीता है, तो हर माँ बाप को यही उम्मीद है कि मेरा वो बच्चा भी कहीं जगह लग जाए तो अपने अनुसार जिएगा। और बाकी जो है वो भी कमेंट आ रहा था कि जब पढ़ने गए तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो सकता था क्या, तब तो इतना बड़ा बड़ा स्कूल जो खोला तो आप लोग के अनुसार बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, और ऊपर से जो है मोनू जो गया है वह जी वहाँ पढ़ाई तो है ही और साथ में उसका जो फील्ड है मोनू को वहीं पर जॉब करना है, वहीं पर बड़ी बड़ी फर्म है लॉ के और बाकी कंपनी सब भी है, बाकी अभी तो वो तैयारी कर रहा है तो वह अपना प्रोफेशन से जुड़ा हुआ काम है उसके लिए भी वहाँ पर गया हुआ है। यह कारण है, ये है कि देखिए माँ बाप जो सक्षम नहीं रहते हैं वही कहते हैं कि चलो हम सक्षम नहीं है तो क्या करें, जिसके माँ बाप सक्षम है वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है मेरे माहौल, घर में बहुत तरीके के माहौल होते हैं जहाँ पे परिवार होता है तो माहौल से थोड़ा दूर रहे जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो, तो इस वजह से भी माँ उनको थोड़ा बाहर रख दी है कि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, घर में बहुत सारी परेशानियाँ आता है बहुत सारा माहौल होता है तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। देखो बनेगा अफसर कि नहीं बनेगा यह तो भगवान के हाथ में है और उसका प्रयास पर डिपेंड करेगा, लेकिन हर माँ बाप को एक अरमान रहता है कि हम अपने बच्चे को ऐसा जगह भेज दे जहाँ वो बन जाए, अच्छा से अच्छा माहौल में। हाँ, इसीलिए हम अपने अरमान
और अपने हैसियत के अनुसार अपना प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर के चरण में समर्पित कर दिए हैं। और आप लोग जैसा सोचिए अपना सोचते रहिए, वैसे तो भाई है, कितनों प्रेम है, तो जन्म से भाई संग साथ रहता है, और जब माँ बाप चले जाते तो हर भाई अलग रहता है, और दोनों भाई अलग होना ही कोई कलंक की बात नहीं है, कहीं भी रहे दोनों का आत्मा का मिलन होता रहे, बात खत्म। तो यहाँ पर अलग होने की बात है ही नहीं थी, यहाँ तो अभी हम ही अलग नहीं है, तो मेरा बेटा कैसे अलग हो जाए। हम अपने ससुराल में पहले किसी से अलग, मेरा हस्बैंड है अपना भाई से अलग, बिल्कुल मेरे पापा हैं, पांच भाई हैं, और पांच भाई में अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, जब मेरा मेरे हस्बैंड अभी तक बंटवारा नहीं किए, मेरा बेटा कहाँ से कर लेगा। तो सही बात है जी। तो उम्मीद करते हैं जी, जो भी ऐसा सवाल उठा रहे थे, जिनके भी मन में कुछ भी जिज्ञासा थी और किसी भी तरह का संकोच था और कोई भी और कह सकते हैं कोई भी गलतफहमी थी, तो सब कुछ दूर हो गया होगा और सभी को जो है अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इसके साथ जो है अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब इसके करियर के लिए उसको अलग रखा गया है, ताकि वो अपना मुकाम हासिल करे। बिल्कुल, आप इस पर क्या करेंगे, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ऐसे बात है जी, आप लोग दुआ कीजिए और आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भाई जो है सफल हो जाए। बिल्कुल, हमारा भाई जो अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचे, और ऋतु भी जो करने गई है वो अपने मुकाम में सफल हो। ऋतु का जो है एक चीज बता दी, शायद आपको बताया भी होगा कि नहीं पता नहीं, वह गई हुई थी, उसका सीटेट क्लियर हो गया है और बाकी आगे भी तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब सबका। तो उम्मीद करते हैं जी दोनों पति पत्नी जो है किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इसके साथ अब इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग जानते होंगे कटिहारी छोटा जगह है, जहां पर और फील्ड नहीं है, सिर्फ कचहरी जाना और वकालत करना एक फील्ड है, तो वह तो लास्ट की बात है। अभी मोनू का उम्र क्या है, मैंने शादी कर दिया तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, सो ऐसी बात नहीं है, ना सोनू बड़ा है, हर घर की लड़कियां जो है सोनू मोनू उम्र की अभी अनमैरिड है। तो मुझे अच्छा लगा कि समय अनुसार सब कुछ कर देना चाहिए, तो हम कर दिए। तो और सभी बच्चे अपना शादी के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे विकास नहीं करते हैं, बच्चा में इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इस उम्मीद से हम दिल्ली जो है हिंदुस्तान का हृदय कहिए उसको या मस्तिष्क कहिए, तो वहाँ तो बहुत तरह का क्षेत्र है, लॉ क्षेत्र में ही, तो वहाँ अगर सरकारी नहीं हासिल कर पाए तो प्राइवेट के लिए भी बहुत जगह है। जो बच्चा सही तरीके से तैयारी कर लेगा जुडिशियल लेवल का, हमको लगता है सर वकालत में भी नाम कर जाएगा। तो सही बात है, अरमान के साथ हम भेजें। चलिए जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।